हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज सबसे पहले तो उन सभी शहीद लोगों को मेरा सत सत नमन जो आज के दिन शहीद हुए थे। और हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, बाबू सोना को हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आज ये 2 दिन है, मतलब कुछ लोग क्या, हम सारे देशवासियों के लिए ये ब्लैक डे ही है, बट जिनके पास बाबू सोना है तो वो वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। खैर, मेरे पास कोई बाबू नहीं है तो मेरा कोई वैलेंटाइन डे नहीं है। और हाँ, आज बसंत पंचमी भी तो है। हैप्पी बसंत पंचमी गाइस। और मुझे वैसे अब तो दोपहर हो गई है। मैं सुबह कमिश्नर ऑफिस भी गई थी, तो उसकी कुछ क्लिप्स है, वो मैं ऐड कर दूंगी। और पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया। घर पे इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, मेरी बुआ, ताऊजी वगैरह, ये सब लोग आए हुए थे, इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो देखते हैं आज क्या होता है। और आज भी कोई आ रहा है हमारे यहाँ, तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चलेगा लास्ट में कि कौन आ रहा है। और जैसा भी होता है दिखाते हैं आपको ब्लॉग। ओके, तो बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में, मिलते हैं बाद में। तो गाइज, हम आए हुए हैं कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि हमें कमिश्नर सर से मिलना था। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ सर के आने का, और यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं मिलने जो आते हैं। वैसे सर भी आने वाले हैं, तभी सारे के सारे एकदम तैयार होकर खड़े हो गए हैं उनके वेलकम के लिए। एकदम हलचल सी होती है जैसे ही सर आते हैं। तो सर आ गए हैं, शायद आप देख सको वो जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में हम सब मिलेंगे उनसे, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो गाइज, सर से तो मिल लिया, सर से मिलने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेने। तो फ्रूट ले लेते हैं फिर चलते हैं। कल मेरी बुआ आई हुई थी, तो मैंने उनके साथ ब्लॉग शूट नहीं किया था, बट ये एक क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ। ये मेरी दोनों बुआ हैं, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, भैया भी हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। तो गाइस, अब जा रहा है गाजर का हलवा बनने। तो अब वो प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं गाजर घिसने का। तो गाजर घिसते हैं फिर बनाएंगे गाजर का हलवा। इस गाजर के हलवे की बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी क्या, मतलब बनना ही शुरू हो गया है। घिस दी है मैंने, पूरी मेहनत मेरी है, थोड़ी सी मम्मी की हाँ, है, आधी मम्मी ने घिसी नहीं है, थोड़ी सी थोड़ी मम्मी सी की मम्मी है। ने चीली भी हो, मम्मी ने आधी घिसी भी। कहो कि मेरी थोड़ी मेहनत है, ये कहो ना बीबी नहीं, को। मेरी मम्मी की थोड़ी सी है, मेरी पूरी हाँ, इनकी है। मेरी है। अब मेरी आवाज को इग्नोर कर सकते हैं आप, हाँ, क्योंकि जुकाम हो रखा है मुझे। देखा, जिस घर में दादी बाबा या नाना नानी रहते हैं, 1 मिनट, घर में दादी बाबा या नानी नाना होते हैं ना, वहाँ पे बच्चे ना किसी भी फसल के लिए वंचित नहीं रह सकते। मेरी नानी ने आज मेरे लिए खोया भी भेजा है, रसखीर भी भेजी है। जो नहीं जानते हैं रसखीर क्या होता है, दही वो भी होता भेजा, है, वो क्या होता है, गन्ने के रस की खीर होती है। और दही भी भेजा है नानी ने। वैसे ये जो हलवा बनने जा रहा है, ये तो मेरी परसों बुआ आई थी, वो खोया लेकर आई थी, उस खोए का ये क्या कहते हैं हलवा बन रहा है। और हाँ, बुआ भी हो ना तो भी अच्छा रहता है। बुआ मेरी चने का साग लेकर आई थी, मक्के की रोटी करी, मक्के का आटा लेकर आई थी, तो वो उन्होंने बना के बनाने खिलाया था। तो आई थी, 2 दिन रुक के गई थी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। उनके जाने के बाद घर एकदम खाली खाली हो गया था। मम्मी तो बेचारी टेंशन में आ गई थी। तो अभी रसखीर, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं रसखीर कैसी होती है। जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे, और जिन खासतौर से इटावा साइड के लोगों को तो पता ही होगा कि रसखीर होती कैसी है। मोस्टली लोगों की फेवरेट होती है, और सर्दियों के सीजन में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। चलो, तो गाजर का हलवा बन जाए तब मैं तब मिलती हूँ, और तभी मैं आपको रसखीर दिखाऊंगी कि वो कैसी होती है। और ये लाया कौन है, मामा लेके आया। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि कोई आ रहा है, तो वो मामा ही आ रहे थे, मैं उनको लेने गई थी। तो अभी थोड़ी देर में मामा से भी मिल पाऊंगी।
मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मेरी आवाज को सुन लो, ऐसे ही जुकाम वाली आवाज। टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा बन चुका है, जो जिसको खाना है वो आ सकता है, हमारे यहाँ अवेलेबल है। किस किस को गाजर का हलवा पसंद है लाइक करो। तो गाइस हम आज भी रसखीर ही खा रहे हैं, जब तक हमारे यहाँ रसखीर खत्म नहीं होगी तब तक हम यही खाएंगे, खाना नहीं बनेगा हमारे यहाँ। ये बैठे मामा पापा ही लेटे हैं, चार पांच दिन की खा रही है, चार पांच दिन नहीं है मामा, दूसरा दिन है, इतनी भी बेइज्जती मत करो। और क्या करें यार, जब तक ये है तब तक यही चलेगी। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं तैयार हूँ, तो मैं जा रही हूँ आज एक फंक्शन में बहुत दिनों बाद, और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखो, इसको पता चल गया ना कि आज मुझे फंक्शन में जाना है, तो निकल के बाहर आ गया है। तो देखो मम्मी भी तैयार हो रही है, अभी मम्मी भी दिखाऊंगी मैं, फिर मामा भी जा रहे हैं मेरे साथ में, पापा के पास शिवम रुक रहा है क्योंकि पापा जा नहीं सकते, तो फिर मैं मम्मी और मामा जा रहे हैं। अभी मिलवाती हूँ मम्मी से, मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है। मामा ये है मेरे हाथ में सगुन का लिफाफा, और ये रही मम्मी। मम्मी बाहर निकल के आओ, रही मम्मी, चलो। मम्मी ने और मैंने मैचिंग की है, सेम कलर के कपड़े पहने हैं, नहीं है हल्का फुल्का अंतर है। मामा तो खोल के बेइज्जती कर देते हैं तुरंत ही कर लो, चलो फिर हम लेट हो रहे हैं। हम आ चुके हैं शादी में, और ये है मैरिज होम। अभी मैं मिलूंगी अपनी फ्रेंड से, उसके भैया की शादी है, तो मैं बताना भूल गई थी कि हम जा कर रहे हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हूँ। आ जाओ मामा। हम जा रहे हैं वापस, मैंने अंजलि को तो ब्लॉग में लिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो बहुत बिजी थी इसलिए, और जब मैं उससे मिली तो फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। गाड़ी अब आपका भाई चलाएगा, चलो।